मुलाकात के बाद? यस मैम, हम संतुष्ट हैं। क्या क्या कुछ मुद्दे उठाए खुद मंत्री जी ने? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको मुलाकात करके अच्छा लगा और वो हमको सुनना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहते हैं। उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। जो CBI जांच के ऑर्डर हो चुके हैं तो उससे हमें थोड़ी संतुष्टि है। बाकी हमें जब सही न्याय आएगा, री एग्जाम होगा, अगर लीक हुआ है पेपर तो हमें संतुष्टि होगी। उसको CBI बताएगी कि कितने स्तर पर लीक। आपका जो रीनीट का बात है उस चीज़ को उन्होंने सबने कहा कि इस चीज़ को अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्होंने सबसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं पहुंच सकते, हम अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं और हमारी बात को वहां उठाएं। मंत्री जी अग्री कर चुके हैं इस चीज़ को कि आपकी बात, हम आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और डिसीजन आपके फेवर में आया ऐसे आप कोशिश करें। नीट के कई छात्र जो हैं वो खुद शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके आ रहे हैं। विकास, अभी मुलाकात करके किससे आ रहे हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या शर्तें रखी हैं? अभी हम मुलाकात शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से करके आ रहे हैं और हमारी मांग थी रीनीट को लेकर, और ये जो नीट लीक पेपर लीक का मामला है इसको हमने उनके सामने रखा और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमने उनके सामने रखी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि NTA के खिलाफ जितने भी ये स्कैम में जितने भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा हमने मुद्दा रखा था जो मेडिकल एंट्रेंस है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी काफी हाई है, तो उन्होंने कहा इस चीज को हम कम करेंगे, इस पर स्पेशल ध्यान देंगे हम। क्या क्या मुद्दे आप लोगों ने एग्जैक्टली मांग की थी जो लेटर उनको सौंपा है आप लोग? मैम, सबसे पहले तो हमारा रीनीट को लेकर, रीनीट होना चाहिए 24 लाख स्टूडेंट्स का। दूसरा हमारा जो मांग थी वो थी CBI इंक्वायरी की, जो कि हमें सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दी है कि CBI इंक्वायरी होगी NTA की, तो हम उससे काफी गुस्सा और इससे हमें भरोसा मिलता है कि हमारे साथ आगे भी न्याय होगा। शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या कहा है कि CBI की जांच होगी, आगे किस तरीके के सपोर्ट आपको दिए जाएंगे? उन्होंने अभी, उन्हें पता नहीं था कि CBI इंक्वायरी का ये ऑर्डर आया है, ये हमने अभी बाहर आकर सुना है, लेकिन उन्होंने कहा कि CBI इंक्वायरी के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फैसले चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वही सर्वोच्च न्यायालय, वही हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल संतुष्ट है मुलाकात के बाद? यस मैम, हम संतुष्ट हैं। क्या क्या कुछ मुद्दे उठाए खुद मंत्री जी ने? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको मुलाकात करके अच्छा लगा और वो हमको सुनना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहते हैं। उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। नहीं, मेरा बेटा है। आपके, आप भी पिता एक छात्र के, मुलाकात अभी हुई है, कितनी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं? मैडम, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, कि जो CBI जांच के ऑर्डर हो चुके हैं, तो उससे हमें थोड़ी संतुष्टि है। बाकी हमें जब सही न्याय आएगा, री एग्जाम होगा, अगर लीक हुआ है पेपर तो हमें संतुष्टि होगी। उसको CBI बताएगी कि कितने स्तर पर लीक। अभी आप लोग भी मुलाकात करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मंत्री जी से मिलने के बाद? जी, मंत्री जी से काफी लंबी मीटिंग चली, उन्होंने सारी बातें सुनी और उसके बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि जैसे जो भी उन्होंने ये माना कि ये जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू था, सरकार को जैसे भी आया, NTA ने उस चीज को एक्सेप्ट करके बैक हुआ है। तो उनका कहना है कि जो भी मुद्दा आगे भी आता है, आप लोग सर्वोच्च, उन्होंने बताया कि टोटल 41 पिटीशन है जो सारे अलग अलग कोर्ट में है, और उन्होंने कहा था 8 जुलाई को इसकी सुनवाई है। तो उनका ये कहना है कि हम कोर्ट के आदेश पे चलेंगे, सरकार कोर्ट के आदेश पे चलेगी और कहीं पर भी हम किसी भी पॉइंट पर उनका विरोध नहीं करेंगे। तो आप भी उस पर वो रखें और सरकार आपके साथ है, आप कभी भी आए, कभी भी मिलें, कोई भी आपका मुद्दा होता तो आप आके मदद करें। जो गड़बड़ियां हुई हैं, क्या उसको शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकारा गया है कि हाँ वाकई में हुआ उस पे काम? उन्होंने कहा कि चूंकि मैं भी एग्जाम में, मतलब अपने चुनाव में व्यस्त था, नई सरकार बन रही थी, इस मध्य ये सारी चीजें हुई, तो उन्होंने भी NTA के जो ऑफिशियल से बात की थी, तो उन्होंने इस मुद्दे पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस पे आदेश करता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हम पालन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप मुलाकात करके आ रहे हैं, खुद स्टूडेंट हैं, कितनी तरीके का रिलीफ मिला है लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं? हाँ, सर ने कहा है कि आपका जो रीनीट का बात है उस चीज पे उन्होंने सर ने कहा कि इस चीज को अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमने सर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं पहुंच सकते, हम अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं और हमारी बात को वहां उठाएं। मंत्री जी अग्री कर चुके हैं इस चीज को कि आपकी बात, हम आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और डिसीजन आपके फेवर में आया ऐसे ऐसा मतलब कोशिश करेंगे। हालांकि मंत्री जी ने कल ही के दिन ये भी कहा था कि ऐसी कोई गड़बड़ और घोटाला नहीं हुआ है, तो क्या आज उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया जो आपके मुद्दे में कहा कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, बिहार वाले केस पे गड़बड़ी हुई है और जो गोधरा वाली जगह पे भी दिक्कतें हुई हैं उन चीजों को उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने माना कि ये चीजें हुई हैं, तो इसमें सुधार का काम किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो रीनीट का फैसला है वो वहाँ है, तो उस चीज पे सर एक्शन बोला कि सर करेंगे उस चीज को थोड़ा सा। आप कुछ छात्र हैं, री एग्जाम होने वाली है,
है और क्या डिमांड्स हैं आपकी सरकार द्वारा सरकार से? हम चाहते हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा से पेपर कराए, क्योंकि आप पेपर लीक वाले बच्चों को कैसे अलग करेंगे। पेपर होना चाहिए हाँ, जो एकदम सरकार की निगरानी में हो, हर एक व्यक्ति की निगरानी में हो, जिससे किसी को एक परसेंट भी शक ना हो कि कोई हेरा फेरी हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा एनटीए पे एक्शन लेने के लिए? कोर्ट का मुंह तो सबको देखना पड़ेगा, मतलब कोर्ट अल्टीमेट डिसीजन मेकर है इस देश में। लेकिन साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने खुद मुलाकात की है उन सभी छात्रों से, कुछ के पेरेंट्स से भी, और सांत्वना जो है ये आश्वासन दिया है साफ तौर पर कि एक्शन लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिटीशन पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसी की आखिर मान्यता होगी, शिक्षा मंत्री द्वारा भी, विभाग द्वारा भी, और दोबारा एग्जाम को लेकर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा उत्सुक है। लेकिन साफ तौर पर सीबीआई की जांच की जो मांग हुई है उसको लेकर पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनमें ज्यादा खुशी की लहर है वो देखने को मिल रही है।